चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है। और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही यह श्रद्धा होती है कि जिस राह की दीवार में मैं कभी पहले था ही नहीं,
क्योंकि चैतन्य तत्व ये अनंत गुणाधिपति परमात्म तत्व जो स्वयं की सत्ता में ही टिककर रहने वाला, जिसका स्वभाव ही है चैतन्यमय, और ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड, ये राग की दीवार जो स्वयं ही स्वभाव से जड़ आकाश के एक प्रदेश पर रहने से एक दूसरों में मिलना कैसे हो सकता है? वरना ऐसा होगा कि आकाश के जिस प्रदेश पर कुर्सी है, जिस खाली जगह पर कुर्सी है, जो दिखाई तो देता है कि कुर्सी ने खाली जगह को रोका है, जहां अवकाश है वहां कुर्सी के परमाणु है, मगर कुर्सी के परमाणु जो पुद्गल परमाणु, वे स्वयं आकाश तो नहीं हो जाते, और आकाश जो है वह स्वयं कुर्सी के परमाणु रूप तो नहीं हो जाता। दोनों एक क्षेत्र पर होने पर भी दोनों की सत्ता स्वभाव से न्यारी है। जैसे आकाश और पुद्गल एक क्षेत्र पर होने से एक दूसरे में मिलते नहीं, ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा इस राग की दीवार के संग एक प्रदेश पर होने पर भी स्वभाव से अनुभव हो तो ये अनुभव होता है कि मैं त्रिकाल देह में था ही नहीं, हूँ नहीं और होऊंगा भी नहीं। ऐसी त्रिकाल चैतन्य स्वरूप की अनुभूति जहाँ किसी पराये के अवलंबन की जरूरत नहीं, जहाँ गुलामी नहीं, जहाँ देह की गुलामी नहीं, जहाँ वाणी की गुलामी नहीं और जहाँ विकल्पों की गुलामी नहीं, यही तो कारण है कि विकल्प से आत्मा की अनुभूति नहीं होती, ये जानकर आनंद हो। ये जो आनंद का सागर उछलता है, ये उछलता आनंद का सागर कहीं बाहर से नहीं, जब आत्मा की अनुभूति होती है अतींद्रिय आनंद का सागर उछलता है। जब तुम देखते हो सागर की लहर को, देखते हो कि सागर की तरंगे उछल रही है, क्या तुम ये देखते हो कि ये लहर का जो उछलना हो रहा है, बाहर से पानी भीतर गया और फिर ये लहर उछली? आज तक तुमने उस रूप में नहीं देखा कि बाहर का पानी भीतर जाता है और फिर यह लहर उछलती है। हमेशा यही देखा कि सागर की ही लहर है, ये बाहर के पानी का कोई संबंध नहीं। वो जो सागर का पानी है वही लहर होकर के उछलता है। ये अतींद्रिय आनंद का सागर उछलता है, वह भगवान आत्मा जो स्वयं आनंद स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप ही पर्याय में आनंद के सागर की तरंग के रूप में उछलता है। यह आनंद का त्रिकाल सागर पर्याय में व्यक्त होता है और उस व्यक्तता में ये विकल्प कहीं पर भी नहीं, इसलिए परावलंबी न रहा। अब लकड़ी का सहारा छोड़ दिया, अब अपने बल पर यात्रा करता है। यह यात्रा ही यथार्थ यात्रा है, यह यात्रा ही पूर्णता की यात्रा है कि जहां अवलंबन छोड़ दिया। बहुत लंबे काल से लकड़ी के सहारे कोई व्यक्ति चलता हो और लकड़ी से अब मुक्त हो जाए, फेंक दे लकड़ी को, वो अपने को कितना स्वतंत्र महसूस करता है। अब बंधन छूटा, गुलामी छूटी। अनादिकाल से ये ज्ञान का जानना जानना ये विकल्पों की लकड़ियों से होता था, और जब अनुभूति हुई तब कोई विकल्प नहीं, विकल्प का सहारा वहां लेता ही नहीं जहां आत्मा की पर्याय सहज ही अंतर्मुख होती है। विकृतियों के सहारे की जरूरत क्या? ये पर्याय का ज्ञायक में ढलना और अभेद होकर के परिणमित होना वह निर्विकल्प अनुभव है, जहां पूर्ण ऐसी परिपूर्णता का अनुभव। एक एक पर्याय
जब न्यायक में सहज ढलती है, सहारा नहीं। और जैसे ही सहज न्यायक में ढलना होता है कि यह श्रद्धा होती है कि यह भूतकाल में भी जो था वह कितना बड़ा भ्रम था। एक व्यक्ति आंखों से देख सकता है, पैरों से चल सकता है, फिर भी वह हाथ में लकड़ी लेकर के चलता हो, इसलिए अनुभूति और कुछ भी नहीं है। माया का अभाव हो जाना यह अनुभूति है। कपट का अभाव, छल का अभाव, धोखा देना बंद हो गया। अनुभूति और कुछ भी नहीं है। लकड़ी छूट जाती है, पैर ठीक हो गया कि लकड़ी छूट गई, नहीं ऐसा नहीं होता। पैर ठीक होने के बाद में कोई लकड़ी को छोड़े, यह बात तो समझ में आती है, मगर कोई व्यक्ति जिसका पैर खराब ही नहीं, चल सकता है, फिर भी नाटक कर रहा है लकड़ी के सहारे चलने का, और वह नाटक छोड़ दे और लकड़ी को फेंक दे, उसे कहते माया छोड़ दी। भूतकाल में भी मैं चैतन्य परमात्मा विकल्पों की लकड़ी से चलने वाला नहीं, मैं अपनी ज्ञान की यात्रा स्वतंत्र करता था, मेरी यात्रा अपने से होती थी, विकारों से मेरी यात्रा नहीं। मेरे भीतर में ज्ञान की सरिता, ज्ञान की गंगा जो बह रही है, वह किनारे पर जो पेड़ उगे हैं उन पेड़ों के कारण नहीं, उन वृक्षों के कारण नहीं, वो तरह तरह के कांटों के कारण नहीं, ये सरिता बहती है। ऐसे ही ये ज्ञान की सरिता अनुभूति होती है, तब ये माया छूट गई। इसलिए तो ये कहा अनंतानुबंधी माया का छूट जाना, अर्थात जैसा भीतर ऐसा बाहर में व्यक्त होना। द्रव्य पूर्ण शुद्ध है और पर्याय में ऐसा ही व्यक्त हो, वह मोहरा बीच में से हट गया कि सत्य का दर्शन होगा। वह मोहरा, चेहरे पर मोहरा पहन करके हम लोग घूमते हैं, भले ही दुनिया को दिखाई दे या न दिखाई दे, मगर हमारे चेहरे पर तरह तरह के मोहरे हैं। एक व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तब हमारा चेहरा कुछ और होता है, दूसरे व्यक्ति से मिलते तब चेहरा कुछ और होता है। तुम स्वयं ही ये अनुभव करना। तुम जब मेरे सामने आते हो तब तुम्हारा जो रूप है, जब तुम अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, तुम जहां जहां जिन जिन से मिलते हो, तुम्हारी अंतर की दशा का निरीक्षण करना, परीक्षण करना, तुम जानोगे कि तुमने अपने चेहरे पर कितने मोहरे पहने हुए हैं। और मैं ये नहीं कहता कि अनुभूति हुई कि ये मोहरे उतर जाते हैं, मैं ये कहता हूं अनुभूति होती है तब ऐसा मोहरा उतर जाता है कि जो बीच में आवरण बनता था वह मोहरा, वो विकल्प का मोहरा गिर जाता है कि पर्याय को साक्षात त्रिकाली चैतन्य परमात्मा का दर्शन होता है। आत्मा ही आत्मा को जानता है, विकार एक और रह जाता है। ऐसे निर्विकल्प अनुभूति जिन्हें प्रकट हुई, ऐसे सत्पुरुष, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष जिनका जीवन अब समर्पित है जगत के जीवों के लिए नहीं, जिनका जीवन समर्पित है त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव के लिए, इसलिए ज्ञानी का जीवन यही खाना पीना, बोलना सुनना, ये जो भी क्रियाएं हो उन क्रियाओं के काल में ये जो जीवन है, एक एक सांस के भीतर जाने में, बाहर आने में, ये गिनती, एक सांस अंदर गई, एक सांस अब ये बाहर, ये सांसों का अंदर जाना और बाहर आना। ज्ञानी जीवन जीता है सालों को देख करके नहीं, इतने बरस का मेरा जीवन जी लिया, अब इतने बरस का जीवन बाकी है, साल को देख करके नहीं, ये सांस को देख करके, इतनी सांसें अब भीतर गई, इतनी सांसें अब बाकी बची, मगर ये भी बाहर की बात हुई, भीतर में तो ये ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, ये ज्ञान की पर्याय नष्ट हुई। ये जानना 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 जिसका उत्पाद व्यय होता है, फिर भी उस जन्म और मृत्यु में
जो जन्म नहीं लेता, जो मरता नहीं, वह ज्ञायक देव यह मैं। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी की वह दशा, अनंतानुबंधी माया छूट गई। माया को छोड़ने का भाव नहीं, माया सहज ही गिर गई। जैसे पत्ता सूख जाए पेड़ पर, फिर वह गिर जाता, उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसे तोड़ना नहीं पड़ता। ऐसे ही जितने भी तरह तरह के विकार थे, वे विकार गिर जाते हैं। भीतर में ऐसी परिपक्वता पर्याय में व्यक्त होती है कि ये विकृति गिर जाती है। अंधेरे को तलवार से काटने की जरूरत नहीं पड़ी, छोटी सी ज्योति जली कि अंधेरा गायब हो गया। और ढूंढने जाओ तो अंधेरा मिलेगा नहीं, कहां गया अंधेरा, कहां खो गया अंधेरा। कुछ और नहीं, अंधेरा सिर्फ प्रकाश का अभाव है। वो तुम ढूंढने जाओ तो कहीं पर भी नहीं मिलता। और बरसों से तुम प्रयास करते थे तलवार से काटने का कि अंधेरा यहां से चला जाए, जाता ही नहीं था। तरह तरह की ये मलिन वृत्तियों को दूर करने के लिए क्रियाकांड के ये तलवार, ये हथियार हमने चलाने का प्रयास किया, मगर ज्ञानी वह परम कृपालु देव घर में रह करके, परिवारजनों के संग रह करके वे असंग रहते हैं, और वे ज्ञान की प्रज्वलित ज्योति से पाते हैं कि यहां तो अज्ञान का अंधेरा कहीं पर भी नहीं। बाहर में अंधेरा हो तो हो, ऐसा नहीं है कि जगत में अंधेरा नहीं होता, जगत में तो अंधेरा रहता है, थोड़ा उजाला थोड़ा अंधेरा। परम कृपालु देव की वह दशा थी जैसे आधा दिन और आधी रात। परम कृपालु देव की वह दशा थी, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की भी वह दशा नहीं, परम कृपालु देव की वह दशा थी आधा दिन और आधी रात। रात और दिन तो रहते हैं, मगर भीतर में ज्ञान की ज्योति सदैव प्रकट है, प्रज्वलित है। आधा दिन आधी रात यह कहने का भाव यह है कि कषाई चार प्रकार के, जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संचलन, कृपालु देव दो कषाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति सहित, आधे कषाई का अभाव है आधे बाकी है, चार में से दो गए दो बाकी है। इसे कहता हूं आधा दिन आधी रात। बाहर का दिन और बाहर की रात के बारे में नहीं कहता, भीतर में आधा कषाई गया आधा कषाई बाकी, वितरागता आधी, राग द्वेष आधे। दिन आधा है रात आधी है, वितरागता और राग होने पर भी आत्मज्ञान की ज्योति जल रही है, और जहां ज्योति जल रही है वहां तो बाहर उजाला हो बाहर अंधेरा हो। जिस कमरे के भीतर तुम रहते हो, जहां बाहर का उजाला बाहर का अंधेरा प्रवेश ही न करता हो, और वहां भीतर जिस कमरे में तुम हो वहां ज्योति जलती हो, अखंड ज्योति। इसलिए तो ये ज्योति की महिमा बताई, अखंड ज्योति। जरथुस्त को मानने वाले लोग अपने मंदिरों में 24 घंटे दीपक जलाते हैं, इसी वजह से कि दीपक की ज्योति वह अखंड ज्योति, वो उस बात का प्रतीक है कि रात को जो दिया जलाया सुबह जलता हुआ तुम देखते हो, वो ये बताता है पूरी रात भर जला था, ऐसा नहीं कि बुझ गया और फिर जल गया। वो जो जलता हुआ दिया है वो ये बताता है कि नित्यता उसकी, अखंडितता कायम है। ये ज्ञान की ज्योति ऐसी है, इसलिए परम कृपालु देव ने चैतन्य ज्योति कहा। ये चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा, और तब तुम देखते हो कि ज्योति तो ऊपर की ओर यात्रा करती है, ये ज्योति डोलती है। एक एक वस्तु को तुम जानो, जैसे तुमने दरवाजे को जाना, फिर तुमने खिड़की को जाना, दीवार को जाना, जैसे तुम ये पदार्थों को जानो, तुम्हारे भीतर में ये जानना जानना ये जानना जानना ये जानना जानना होता है। ये ज्योति का डोलना तो होता है, पर्याय का पलटना तो होता है, अभी मैंने ये जाना अभी मैंने ये जाना। बाहर में तुम्हारी आंखें घूमती रहती है, आंखें घूमती है,
ज्ञान की पर्याय भी पलटती है, मगर ज्ञान की पर्यायों के पलटने पर भी वो मिट्टी का दिया एक जगह से दूसरी जगह गया, अभी यहां है फिर यहां गया। इसे मैं कहता हूं मिट्टी के दिए का घूमना। मिट्टी का दिया घूमता है, ऐसे ही ये आंखें घूमती है, ज्योति डोलती है, ऐसे ही आत्मा में जो ज्ञान है वो नया नया ज्ञान, कभी एक को जाना फिर दूसरे को जाना फिर तीसरे को जाना। तो ये राग की दीवार, ये मिट्टी यात्रा करती है, ये मिट्टी की यात्रा है। जरूरी नहीं है इस मिट्टी को यहां से फिर ऊर्ध्व लोक में जाना हो, अधो लोक में जाना हो। सिर्फ आंखों का हिलना, ये जो गति, ये शरीर की, ये हाथ का हिलना, ये शरीर के परमाणु का ये जो कंपायमान होना, ये ही मिट्टी का कंपायमान होना है। ये दिया यात्रा करता है, दिया यात्रा करे तो, और ज्योति डोलती रहे, नए नए विषयों को जानती रहे, तो भी ज्ञानी की श्रद्धा है ये ज्योति सदैव प्रकाश प्रकाश प्रकाश, प्रकाश के अतिरिक्त ज्योति और कुछ भी नहीं। दिया हिले मगर प्रकाश तो प्रकाश है, ज्योति हिले मगर प्रकाश तो प्रकाश है, उस प्रकाश स्वरूप, ऐसे ही ये ज्ञान प्रकाश स्वरूप में परमात्मा, ये श्रद्धा की मोहर ऐसी। इस मोहर का नाम ही सम्यक दर्शन है, यही धर्म है जो ज्ञानी को सदा काल है। परम कृपालु देव राग और द्वेष के भावों को छोड़ते नहीं, बाहर में रात होती हो रोकते नहीं, दिन को कब लाओ ये चेष्टा करते नहीं। ये प्रकृति की व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था प्रकृति में है। और जब मैं कहता हूं प्रकृति की व्यवस्था, उसका भाव यह है कि राग और द्वेष के ये विकारी भाव कर्मों की प्रकृति की व्यवस्था है। कोई क्षायिक भाव, कोई औपशमिक भाव, कोई क्षायोपशमिक भाव, या फिर कोई औदयिक भाव, ये कर्म की प्रकृति की अवस्थाएं हैं। मगर बाहर का उजाला, बाहर का अंधेरा, वो भीतर में कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि बाहर कितना भी उजाला हो, यहां तुम बड़े बड़े हेलोजन, बड़े बड़े ऐसे बल्ब लगा दो, मगर अज्ञान का अंधेरा थोड़ी दूर होगा। जैसे बाहर के प्रकाश से भीतर का अज्ञान का अंधेरा दूर नहीं होता, ऐसे ही बाहर के अंधेरे से भीतर की जलती ज्योति वो बुझ नहीं जाती, कोई संबंध ही नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता देखना उसे कहते हैं, यहां रह करके यहां ज्योति का ऐसा समुदाय देखना, ऐसा समुदाय देखता है ये सब मिली हुई ज्योति को, मगर सबको स्वतंत्र देखता है। जैसे एक बल्ब का प्रकाश, दूसरे बल्ब का प्रकाश, तीसरे बल्ब का प्रकाश, ऐसे 100 बल्ब के प्रकाश को यहां एक साथ देखे, ऐसे ही ज्ञानी देखता है ये चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, ये सब चैतन्य ज्योति, मगर फिर भी ऐसी स्वतंत्रता कि 100 बल्ब का जो प्रकाश है वो एक एक बल्ब का प्रकाश स्वतंत्र है, मिला नहीं है, एक दूसरे से मिल नहीं गया, अभेद नहीं हुआ। उसका कारण क्या? एक स्विच को बंद कर दो, प्रकाश थोड़ा कम होगा, दूसरी को बंद करो, प्रकाश थोड़ा कम होगा, तीसरी को बंद करो, थोड़ा कम होगा। वो कम होगा वो ये बताता है कि जो गया वो उसमें नहीं मिला था। जब भी वो 100 बल्ब का प्रकाश मिला हुआ लगता था, तब भी वो अपनी सत्ता में स्वतंत्र था, मगर स्वतंत्रता देखता है ज्ञानी। ये अनंत ज्ञान ज्योति जो मेरे सामने दिखती है, फिर भी अनंत ज्योति अपनी सत्ता में है। परम कृपालु देव ने राग द्वेष को नष्ट करने के लिए नहीं कहा, तुम अपना काम करो। गांधी जी ने जब पूछा था साउथ अफ्रीका से, तब मेरी खास इस विषय पर चर्चा हुई। अभी थोड़े दिन पहले मैं महात्मा गांधी जी की वहां बेटे की बेटी से मिला, तब मेरी इसी विषय पर चर्चा हुई उनके साथ। मुझे डरबन अलग अलग जगह पर लेकर गए, जहां पर गांधी जी को ट्रेन में से द
धक्का देकर के नीचे उतार दिया था ट्रेन में से। गोरी चमड़ी नहीं थी। उनसे यही बात हुई, 27 प्रश्न पूछे थे गांधी जी ने परम कृपालु देव को। उनमें एक प्रश्न ऐसा महत्वपूर्ण था कि सांप काटने को आए तो सांप को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। यदि नहीं मारा तो मैं मरूंगा तो क्या करना चाहिए, और ये मनुष्य जीवन तो बहुमूल्य है। आपने ही कहा, बहुपुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव न मड़े। तो क्या करना, सांप को मारना या नहीं। वे कहते वो 27 प्रश्न के उत्तर जो गांधी जी को मिले, गांधी जी अफ्रीका छोड़कर के भारत आ गए। गांधी जी की उस समय थोड़ी थोड़ी वह ज्योति जलनी शुरू होने वाली थी, गांधी जी को अहोभाव आने लगा। मगर तब बात खत्म हो गई। सिकंदर का भी ऐसा ही हुआ, सबका ऐसा हुआ। सिकंदर हो, माओ हो, अलग अलग ऐसे दार्शनिकों के जीवन की घटना मेरे स्मरण में आती। सिकंदर को भी उसकी मां ने कहा था, जब वह जग को जीतने के लिए निकला था, कि बेटा कहां जा रहा है, कि जग को जीतने के लिए जा रहा हूं। मां ने इतना कहा था, बेटा इस उम्र में इस बूढ़ी मां को ये जग का वैभव नहीं चाहिए, ये धन का ढेर नहीं चाहिए। इस बुढ़ापे में इस मां को बस एक गिलास पानी का मिल जाए, बहुत है। तू मेरे पास में बैठ। मगर सिकंदर ने कहा, एक बार जग को जीत लो, फिर मां मैं तेरे चरणों में ही बैठूंगा। मगर वह घड़ी आए, उससे पहले ही सिकंदर बीच रास्ते में ही मर गया। पानी पानी करता मरा, मां को तो पानी पिलाना दूर, खुद भी पानी पी न सका, पानी पानी करते मरा। ऐसे ही तुमने वो सुना हो, बा के साथ में हम वो पत्र को पढ़ते हैं ना, वो दिन आता ही नहीं। तमें गुजराती में बधाए सांभळ्यो हो, एक आंधळी मानो कागळ, आंधळी माए कागळ लख्यो, मुंबई में छोकरो रहे छे, अने छोकरा ने कह्यो के बेटा तू आवी जा, अहीं ते आपड़ा घर में बधी व्यवस्था छे, तू आवी जा, तारी मां ने हवे आंखे थी देखातू नथी। अने छोकरो शुं कहे छे, हा मां हवे बस हूँ आवुं छुं, आ मुंबई नी जे मेड़ियो छे ए मेड़ी बधी खोटी नामनी छे, देखावनी छे। जेटला जेटला मोटा मोटा मकान, ए मकान नी अंदर रेवा वाला ना दुख पण एटला मोटा मोटा छे। मां हूँ हवे दिवाळी आवे, दिवाळी मां हूँ आवुं छुं। दीकरो आव्यो दिवाळी, दिवाळी मां दीकरो आव्यो, त्यां एनी पहला ज मानी मृत्यु थई गई, मां मरी गई। पहोंचातो ज नथी, पहोंची नहीं सकता। वो श्रद्धा हुई है, उस वीडियो को आपने देखा ना, उसमें वो जो चिट्ठी आई है उसी तर्ज पर बना है नहीं। उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, आजा बेटा अपने घर में भी रोटी है। मगर बेटा आए, उससे पहले ही हांगकांग में बेटे की मृत्यु हो गई। मैं ये कहता हूं कि वो दिन के सपने देखते हैं, मगर वह दिन आए
उससे पहले बहुत देरी हो जाती है। गांधी जी को भी देरी हो गई। गांधी जी भी आए, पता चला अब नहीं रहे कृपालु देव, इसलिए तो वे राजकोट के स्टेशन पर उतर करके कहीं और नहीं, पहले जब भारत आए विदेश में थे, भारत आए और वहां पर सीधे समाधि स्थान पर गए राजकोट में। और अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य, ये पद गाया। कृपालु देव ने भी ये गाया कि कब आएगा वह अपूर्व अवसर जब मुनि धर्म अंगीकार करूं। गांधी जी ने भी गाया कब आएगा वह अपूर्व अवसर, अब गुरु मिले तो देरी न करूं। मन की मन में रहती है, कल 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 पर टालते जाते, भोगों के लिए नहीं। प्यास लगती है तो अभी पानी, भूख लगती है तो अभी भोजन, भोगों को भोगना हो तो अभी, कल पर नहीं। मगर आत्मा का ही उम्र बहुत है, बाद में कभी कर लेंगे, ये और किसी के साथ नहीं, अपने साथ धोखा है। अनुभूति हुई, अपने से दिया जाने वाला धोखा बंद हो गया। परम कृपालु देव सांप को मारने का उपदेश नहीं देते गांधी जी को, उसका विवेचन तो बहुत विस्तार से है, मगर ये बात मुझे इसलिए स्मरण में आई कि सांप को मारना मत, तुम सांप को मत मारना, तुम अपना काम करना। तूने तो इतना धर्म समझा है, सुना है ना, ये शरीर मेरा नहीं है। अब सांप ने तो ये सुना भी नहीं कि ये शरीर मेरा नहीं है, तो सांप यदि तुझे काटेगा तो तेरी मृत्यु हुई, समझ ले। सांप ने तुझे काटा तो तेरी मृत्यु हुई, और तूने सांप को मार दिया तो सांप की मृत्यु हुई। अब तेरी मृत्यु हुई तो तुझे इतना तो पता है ना कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मैंने गुरु से सुना था, तो तेरा दुख थोड़ा कम होगा। और सांप को तो इतना मोह है शरीर में, तो उसको दुख ज्यादा होगा। तो जिसे शरीर के प्रति कम मोह हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जिसे शरीर में ज्यादा मोह हो उसको कैसे मार सकता है, उसको दुख कैसे पहुंचा सकता है। तुझे इतनी तो समझ आई है ना, भले सुनकर के आई। और अंत में कि हम जैसे पुरुषों से तो ऐसा उपदेश दिया ही नहीं जा सकता कि तू सांप को मारना। और श्यामदेव बापू जी ने ये जो क्रांति लाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका मुझे अनुभव है। एक परदेशी को, एक मुस्लिम को मांस छुड़ाना, उसे इस बात को मानने के लिए तरह तरह के दृष्टांत, युक्ति, न्याय, प्रमाण से उसे समझाना और वह स्वीकार करे, बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, मगर कुछ कुछ बातें मुझे स्मरण में आती है कि श्यामदेव बापू जी के ये आप जैसे ही ऐसे ही शिष्य थे, जो कोई सप्ताह में एक बार बालों में से वो जो जू हो जाती, टोला पड़ी जाए, जू पड़ी जाए, लिखू थी जाए, कांक्षियों ले लेन बे है, कंगी लेकर के बैठते थे। हर सप्ताह में एक बार ये सब लोग महिलाएं बैठती, और जितने भी वो उसमें से जो जू जो कीड़े निकलते हैं ना बालों में से, उसको निकाले और वहां पर सीधे ही मार दे। जैसे ही बालों में से निकाले वहां सीधे ही मार दे। और ये और कोई नहीं, इनमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसे जो मेरे सामने बैठे, उन्होंने भी कभी ऐसा किया होगा। बहुत मुश्किल है, बचपन से जिनकी मान्यता ऐसी, और आज वे रात्रि भोजन के त्यागी हो और पानी भी न पीते हो, ये परिवर्तन यही तुम्हारे खेत में हल चल चुका है, अब बीज बोया जा सकता है। अब व्यर्थ का कचरा तो निकल गया, और पानी की फिक्र मत करना,
तुमने बीज बोया कि अनंत ज्ञानियों की करुणा के बादल बरसेंगे कि दिव्य ध्वनि के रूप में बरसेंगे परम कृपालु देव की रचना। तुमने कभी विचार किया हम आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करते 46 मिनट करीब करीब आत्मसिद्धि शास्त्र को सुनते हैं, आत्मसिद्धि शास्त्र को इतनी तेजी से गाए गए, छियालीस मिनट लगते। परम कृपालु देव ने इतना तेजी से यदि गाना हो तो भी परम कृपालु देव ने सिर्फ 90 मिनट में 90 मिनट में आखा शास्त्र की रचना करी। यदि देख देख करके ये गाथा को लिखो ना, मैंने बहुत बार कोशिश की, कलम लेकर के बैठा, पेन लेकर के और लिखने गया, बड़ी मुश्किल से कभी 60 गाथा है, कभी 65 गाथा है, बस उनके बीच में ही। कितने भी बुरी हैंडराइटिंग आए ना तो भी विचार आता है 90 मिनट में ये कैसे संभव, मगर वो सहज ऐसा। मैं ये कहता हूं जब हमारा महापुण्य का उदय हो तो ज्ञानियों की करुणा बरसती है। ये सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे, और उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या मिलता। लोक में जितने भी रिश्ते हैं उनमें कुछ न कुछ आशा है सामने से क्या मिलेगा, मगर अनुभूति हुई कि वह करुणा वह निष्कारण करुणा है। निष्कारण करुणा, निष्कारण करुणा का भाव भी तुमने वह नहीं समझा जो ज्ञानी समझाना चाहते हैं। निष्कारण करुणा अर्थात तुमसे कुछ भी नहीं लेना, ऐसी करुणा, कोई अपेक्षा नहीं, ये इसका भाव नहीं। निष्कारण करुणा कि जो करुणा का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव उसमें कारण ही नहीं बनता, वो अपनी योग्यता से करुणा उत्पन्न होती है और ज्ञायक देव उससे न्यारा, करुणा उसमें नहीं, करुणा उसमें नहीं, निष्कारण। वह करुणा निष्कारण है जिसमें ज्ञायक कारण नहीं है, ऐसी वो अनुभूति के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि नित्य की अनुभूति होने पर ही विकार में एकत्व छूटता है। शुद्ध पानी का स्वाद लिया, जितनी भी काई जम जाती है पानी में, आप देखो तालाब में लील जामी जाए, एक एक लील ने बाहर काटवा न जाता, थोड़ी लील आपने आप हटा भी दी थी और पानी पी ली तू बस। खेतर में आवी रीते कितनी बार आवू करता हुए छे, आप पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो। मैं नहीं देखता कि आप में से किसी ने पीएचडी की हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आप लोग गए हो, क ख ग भी नहीं आता है इनमें से, ऐसे पढ़ना आधे से ज्यादा लोग ऐसे जिन्हें क लिखा हो तो वो पढ़ना नहीं आता। मगर ये समझ में आ सकता है कि आप जो खेत में काम करने जाते हो तो काय को ये लील ने जेवी रीते हटावी दो छो, लील नी झंझट में नहीं पड़ता अने पानी पी लीधु, एवी रीते कशाई ना कचरा ने एक बाजू राखी ने चैतन्य ना रस ने पी सकाय छे, आटली समझ आवी गई, बस थई गयो। आना माटे केटला शास्त्रो भणवाना। आ समझ, और ये तो समझ का मार्ग है, बुद्धि का नहीं है। इसलिए काले अक्षर भैंस बराबर गांव में अनपढ़ व्यक्ति ऐसा पढ़ता हो, कुछ भी मुझे तो समझ में नहीं आता यहां क्या लिखा है, मगर उसे भीतर में जागृति रह सकती है कि काले अक्षर है, वे काले अक्षर जैसे मेरी आंख के भीतर नहीं, वो बाहर है। ऐसे ही ये काली मां
विकार की काली माँ मेरे स्वरूप के भीतर नहीं वह बाहर है, यह जागृति रहे। श्यामदेव स्वामी ने यह उपकार किया जगत के जीवों पर, जिन्होंने ऐसे ऐसे जीवों को सत्य स्वरूप समझाया कि कहां अटके हो तुम, बकरे का वध करने वाले काली के, बकरे का वध काली मां के लिए ऐसा बोलते वे लोग, काली का मां, काली को खुश करने के लिए बकरा चढ़ाओ। मगर मैंने सुना है श्यामदेव बाबू जी एक बार कहते थे, मैं तो बहुत छोटा, उस समय तो मेरी उम्र 7 साल की थी जब उनका देह छूट गया, 7 बरस का था, मगर 7 बरस की उम्र में उस समय जो पूजा हो रही थी, उस पूजा के काल में बाबूजी को पूछो, चावल पूजा की थाली वहां है, मैं चावल नहीं उठाता था, बैठा था पास में, पर उस समय भी मेरे यही कहना था, वो तस्वीर को वो वीडियो को आप देखो तो आपको पता चले, उस समय मैं यही कहता था, कैसे हो सकता है कि एक थाली में से चावल उठाए दूसरी थाली में डाल दिए और धर्म हो गया, धर्म इतना सस्ता नहीं हो सकता, एक थाली में से दूसरी थाली में चावल डालो, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, हो गया धर्म। मगर वे ये कहते जो बकरे को वध करते, एक आदमी भी बकरे का वध करता था, फिर उसने बकरे का वध करना बंद कर दिया कि अब मैं काली के लिए बकरा नहीं चढ़ाता। बोले क्यों, पहले चढ़ाता था काली को खुश करने के लिए, अब नहीं चढ़ाता, अब ऐसा हुआ है कि मेरे सब दांत गिर गए हैं, अब मैं काली के लिए बकरा नहीं चढ़ाता। सीधी सी बात है, काली को खुश करने के लिए अब दांत नहीं रहे, खुद के लिए चढ़ाता था, काली के लिए नहीं, दांत ही नहीं रहे, अब क्या करें। श्यामदेव बापू जी का यह दृष्टांत है, ऐसी घोर मिथ्या मान्यताओं में फंसे हुए जीवों को ये वितरागी धर्म की पुकार करने वाले, उनकी महिमा क्यों न आए, और जिनमें सद्गुण है, सद्गुण वालों के सद्गुण की महिमा गाना, इसमें भी यदि तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचती हो तो समझना धर्म तो दूर, मानवता भी तुमसे बहुत दूर है। इतनी झूठी मान्यताओं में गृहित मिथ्यात्व से छुड़ाया गुरु का यही कि गृहित मिथ्यात्व तो छूटे, अगृहित मिथ्यात्व देह में से मोह छोड़ो, देह की पकड़ छोड़ो, इससे भी खतरनाक मान्यता गृहित मिथ्यात्व की, और ये व्यक्ति इस जाति वाला है, ये व्यक्ति इस जाति वाला है, इस मान्यता में फंस जाना ये गृहित मिथ्यात्व है। तुम बात करते हो अगृहित को छोड़ने की, मगर ऊंची जाति नीची जाति, क्योंकि गृहित का मतलब होता है इस भव में आकर के जो ग्रहण किया, पिछले भव में ये नहीं था, इस भव में कुत्ता था, बिल्ली था, कुत्ते बिल्ली के भव में नहीं था कि ये ब्राह्मण है या ये क्षत्रिय है या ये शूद्र है, ये कुत्ते बिल्ली के भव में नहीं था, यहां आकर के ये सब शुरू हुआ। तो जिस तरह से देखता हूं कि यहां भीतर में तो जानवर में भी इतनी बुराइयां तो नहीं थी कि कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, मगर यहां ऊंचा भव पाकर के नीचे विचार में, पश्चिम में एक विचारक हुआ मेरे स्मरण में आया, सिगमंड फ्रायड ये कहता कि पूर्व के देशों में लोग कहते हैं कि हमारे भीतर परमात्मा वास करता है, पूर्व के देशों में लोग ये कहते हैं कि परमात्मा यहां
हमारे भीतर वास करता है, मगर ये बात मुझे सच्ची नहीं लगती, क्योंकि जब मैं अपने भीतर देखता हूं तो देखता हूं कि पशु वास करता है, परमात्मा तो दिखता ही नहीं। इतनी विकृतियां है। सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे, निष्कारण करुणा। कभी कभी मैं बापूजी से पूछता था, उनके कपड़े देखो, चदरिया ओढ़ते, उसमें जेब तो होती नहीं, रात रात कहीं चले जाते, हाथ में ही ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे भी हाथ में होते, बस उतने ही रुपये। जब वे प्रवचन के लिए जाते ट्रेन में, उस समय तो ट्रेन में जाते तो हाथ में रुपये लेकर जाते, मगर रुपये मुझे इनसे ऐसा मिलेगा, उस कारण से असत्य निरूपण कभी नहीं किया। हाँ, लोग हैं जाने आने की टिकट बुक कर देते होंगे, मगर गुलामी किसी की नहीं की। सत्य यही है, मानना हो तो मानो, वरना जिस द्वार से आए उस द्वार से ही जाने का रास्ता खुला है। और ये द्वार नहीं, प्रवचन हॉल नहीं कहता, निगोद से आए तो निगोद में जाने का रास्ता खुला है। जिस द्वार से आए उस द्वार से जाने का रास्ता खुला है। परम कृपालु देव की करुणा, निष्कारण करुणा, सभी के प्रति ऐसा भाव। ऐसे ही एक व्यक्ति हुआ अद्भुत, सेंट फ्रांसिस। पर्वतों से बातें करता था, कोई नहीं होता, मगर पर्वतों से बात करते करते भी उसने इतनी किताबें लिख दी, पर्वतों के साथ बैठकर। वृक्षों को जब वो पुकारता तो वृक्षों को भाई कहता, मछलियों को बहन कहता। जब मैं भावना भाता हूं, ये दशा तुम्हें हो कि जब तुम्हें प्रकृति में जहां देखो वहां परमात्मा दिखे, वह दशा हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो। थोड़ी तकलीफ तो होगी, क्योंकि कीचड़ की रुचि जो है, कीचड़ में रहने की आदत है, इसलिए कोई कीचड़ में से बाहर निकाले तो तकलीफ होगी। ऐसा लगेगा जैसे मेरा सोना मुझसे छीना जा रहा है। इसलिए ज्ञानी ये कहते हैं, सब परंपरा से बाहर निकलना। कृपालु देव के पास समय बहुत कम था, और कम समय में ये स्वरूप की पुकार, सिर्फ 90 मिनट में आत्म सिद्धि शास्त्र। और बहुत से देश ऐसे हैं अफ्रीका के, हमारे जैसे लोग जो बरसों से आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करते, उनके लिए भी आत्मसिद्धि शास्त्र की गाथाएं सुनकर के वो भाव समझ में नहीं आता। तो अफ्रीका की भाषा में जब मैं उन्हें कहूं तो उन्हें कैसे समझ में आए पहली बार में। मगर जो भाषा नहीं कह सकती वो भाव कहते हैं, जो वाणी नहीं कह सकती वह मौन कहता है। और परम कृपालु देव का मौन, मौन के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। रूजवेल्ट मुझे स्मरण में आया, रूजवेल्ट के लिए किसी ने पूछा कि आप व्याख्यान देने चाहते हो, अमेरिका में उसके व्याख्यान बहुत लोकप्रिय थे, कि व्याख्यान देने जाते हो तब आपको तैयारी तो करनी पड़ती होगी। रूजवेल्ट ने कहा कि हाँ, तैयारी तो करनी पड़ती है, मगर 2 घंटे का व्याख्यान हो
तो कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। मगर हाँ, आधे घंटे का व्याख्यान हो तो 4 से लेकर 6 घंटे की तैयारी तो करनी पड़ती है। 2 घंटे का व्याख्यान कोई तैयारी नहीं, मगर आधे घंटे का व्याख्यान देना हो 4 से 6 घंटे लगते हैं। और 10 मिनट के लिए बोलना हो तो पूरा दिन लग जाता है। और कभी 2 मिनट के लिए बोलना हो तब तो दिन के दिन बीत जाते हैं। जितना कम बोलना हो उतनी भीतर की तैयारी ज्यादा हो, क्योंकि सार पूरा बताना है ना 2 मिनट में, तो उसके लिए तो कितना कितना तैयारी, कितनी तैयारी करनी होगी कि 2 मिनट में वह सब बोलना है जो 2 घंटे में बोलता था। इसलिए कुछ ज्ञान दीपक मुझसे पूछते हैं कि आपने 78 घंटे तक इतने प्रवचन दिए, कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी, 78 घंटे बोला था ना। मगर 1 मिनट के लिए बोलना हो तो विचार करना पड़े कि अब क्या बोलू, और चुप रह करके समझाना हो तो भीतर की तैयारी कैसी चाहिए। मौन रह करके परम कृपालु देव की तस्वीर मौन रहकर समझाती है, अब समझ सकते हैं कि उनके भीतर में तैयारी कैसी होगी। सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे। करुणा से भरकर समझाते थे। सबकी अपनी अपनी विशेषता है, मगर सभी के पीछे वही भाव के जो स्वरूप मेरे अनुभव में आया और जो स्वतंत्रता को मैंने भोगा, वह स्वतंत्रता का अधिकार आपका है। गांधी जी ने कहा था हमारा अधिकार है स्वतंत्रता। परम कृपालु देव भी ये कहते हैं स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। स्वतंत्रता, हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव की ऐसी निष्कारण करुणा कोई अपेक्षा भाव नहीं था। जितनी शरीर में शक्ति थी, शक्ति का उपयोग किया, बहुत बार मुझे ये विचार आता जब घंटे घंटे के प्रवचन, अनेक घंटों के प्रवचन होते लगातार, तब ये विचार आता कि ये राग की दीवार का अब उपयोग हो, ये प्रकृति से जो उधार परमाणु मिले हैं, कुछ समय के लिए उधार उछी ना लिधा हुई जेवी रीते कोई नहीं पासे थी, एवी रीते आ शरीर ना परमाणु ने पृथ्वी नी पासे थी उछी ना लिधा छे, अने जेनी पासे थी लिधा हुई ए माणस गम्मे त्यारे आवी सके छे, अने के के लाव मारू पाछू आपानी तैयारी। કોઈની પાસે તમે પેન લ્યો, બેંકમાં ઘણી વાર આવું થાય, એક વ્યક્તિ પેન લેકર ગયે, વહા પર ગયા, દૂસરે ને કહા પેન આપશો, આપે, ઢાંકણું પોતાની પાસે રાખે, પછી પેન આપે, લો ભૂલી જાય તો પછી કે ઢાંકણું મારી પાસે છે, પેન ઢાંકણું લેતા જાઓ, લઈ જાઓ છો તો ઢાંકણું લેતા જાઓ, એટલે પેલાને યાદ આવે કે ઢાંકણું ક્યાં લઈ જાઓ, આપણે તો પેન આપવાની હતી, એટલે બુદ્ધિ તો બધી જ છે, પણ યહાં દેખો સબ પેન લેકર કે જેબ મેં
यहां कोई ऐसे चेक नहीं लिखना है, मगर फिर भी पेन लेकर के सब बैठे, तो पेन लेकर के बैंक में भी लोग जाते हैं। वो मांगी कि पेन देंगे, तो पेन दी। तो थोड़ी देर उसने पेन अपने पास में ही रखी, अब पोतानी पास पेन राखी, पछी सामा वाला कीधुं के भाई लाओ पेन, मारी पाछी मारे जवुं छे, टाइम थई गयो मारो। अने तमे एम कहो ले, पण मैं तो हजी लख्युं ज नथी, लखवानी कोई ना पाड़ी थी, टाइम तारी पास हतो, एने तने पेन आपी थी, लखी लेवुं तुं। हवे जेने आपणने आपी पाछी तो मांगे ने पछी, કે મેં તો એનો ઉપયોગ કર્યો જ નહીં હજી, અને તું લઈ લે છે, તને કોણે ના પાડી હતી? એમ જે વસ્તુ મળી એવી રીતે આ પ્રકૃતિથી આ શરીર મળ્યું મનુષ્યનું, અને પ્રકૃતિ પછી કહે છે લાય પાછું, અને ત્યારે મરતી વખતે એમ કહીએ લે હજી તો મેં આનો ઉપયોગ કર્યો જ નથી, હજી તો મેં આનો ઉપયોગ કર્યો જ નથી, તો કોણે ના પાડી હતી? આટલો તો લાંબો કાળ મળ્યો હતો, પરમ કૃપાલુ દેવ કે પાસ મેં કમ સમય થા, બસ ચાર કદમ કી યાત્રા, આજ સુબહ ચાર બજે મેરી આંખ ખુલી, ઓર યે ચાર કદમ કી યાત્રા દેહ કા નિષ્કારણ કરુણા સે એસા ઉપયોગ હુઆ કી ચાર કદમ કી યાત્રા હુઈ, બસ જ્ઞાની કા જીવન એસા। चार कदम की यात्रा मुझे इसलिए स्मरण में आई, 29 वर्ष की उम्र में आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना हुई और चार साल और जिए, चार कदम की यात्रा बस, मगर उपयोग हो गया कि आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना। जैसे मैंने 4 बजे घड़ी में देखा कि ये विचार आया, ऐसा विचार आया था आज का दिन सत्संग का दिन है, ज्ञान दीपकों के साथ में सत्संग के लिए मैं बैठता हूं ना, 1 घंटा 12 मिनट का सत्संग मैंने ज्ञान दीपकों की साधना के लिए आपको बताया ना, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, 3 घड़ी के लिए, 3 घड़ी अर्थात 72 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट। आज का दिन तो सत्संग का दिन है, 1 तारीख है, 12वां महीना है, 1/12 का दिन है। 4 बजे जब मैंने देखा उस समय मुझे वो 3 घड़ी से बहुत सी बातें स्मरण में आई, मगर समय हो गया 9:42। ऐसा होगा, अभी 42 का अंक है वो मेरी आंख को खींचता है, कब आए वह दशा जब न्यायक अपनी पर्याय को ऐसे खींच ले, खींचता नहीं मगर भावना भाता हूं, ऐसे खींच ले कि वहां से ध्यान ही ना हटे। 142, और अभी देखो सुनने वाले भी 142। अब मैं क्या करूं, थोड़ी देर कोई निकलना मत, अपना चमत्कार मत दिखाना, आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, आप परमात्माओं ने मुझे विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, इस बालक पर आपका ऋण रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।